चुड़ैल के जहरीले नूडल्स। रात का समय होता है। एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक रसोई में खड़ी होकर नूडल्स बना रही होती है, जिसके बाद वो नूडल्स बनाते बनाते अपने आप से कहती है, इन्होंने नूडल्स खिलाकर मुझे मारा है। मैं भी अब इनसे अपने पति की मौत का बदला लूंगी और इन्हें नहीं छोड़ूंगी। आज जब ये दोनों मेरे हाथों के बने जहरीले नूडल्स खाएंगे तो ये दोनों भी मर जाएंगे। वो भयानक चुड़ैल नूडल्स बनाकर अपना रूप एक औरत के वेश में बदल लेती है, जिसके बाद वो नूडल्स को अमलेश और निशा के पास लेकर आती है। नूडल्स देखकर दोनों माँ बेटी के मुंह में पानी आ जाता है और वो दोनों चुपचाप नूडल्स खाने लगते हैं। उन्हें नूडल्स खाते देख चुड़ैल मुस्कुराकर वहां से गायब हो जाती है। आखिर उस चुड़ैल ने जहरीले नूडल्स बनाकर उन बेचारी मासूम माँ बेटी को क्यों मार दिया? आइए कहानी में थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अरे निशा, तेरी भाभी कहाँ है? इसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जब देखो आराम करती रहती है। अरे कितना आराम करेगी ये, इसे घर के काम नहीं दिखते क्या? जब बहू इतनी आलसी लेकर आई हो तो वो घर के काम थोड़े करेगी, वो तो आराम ही करेगी ना। ये सुनकर अमलेश को गुस्सा आता है और वो अपनी बहू राधा को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। बहू कहाँ मर गई? क्या तुझे घर के काम नहीं दिखाई देते? तभी राधा भागते हुए अपनी सास कमलेश के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैंने आज घर के काम नहीं किए। ओहो, महारानी के बहाने तो देखो, जब देखो बहाने करती रहती है। अरे तुझे बहाने बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता? जा अब जल्दी से जा और हमारे लिए नाश्ता बना कर ले आ। लेकिन माँ जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। तभी अमलेश उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को टालेगी? रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अमलेश उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद बेचारी राधा चुपचाप रसोई में जाकर अपनी सास अमलेश के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में राधा खाना बनाकर अपनी सास अमलेश को उसके कमरे में देने चली जाती है। देख निशा, एक थप्पड़ में सारा बुखार और आलस उतर गया, देख ले आई खाना, अब ले आई हो तो टेबल पर रख दे, हमारा मुँह क्या ताक रही है। राधा खाने की पूरी भरी हुई थाली टेबल पर रख देती है। बेचारी राधा ने कुछ भी नहीं खाया होता, वो अपनी सास की तरफ देख रही होती है। तभी अमलेश कहती है, अरे मेरा मुँह क्या देख रही है, यहाँ से चली जा, मैं और मेरी बेटी निशा जब खाना खाने लगे तो तेरे लिए कुछ बचा देंगे। अपनी सास की ये बात सुनकर बेचारी राधा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी है मेरी, मैं यहाँ एक एक टुकड़े के लिए तड़प रही हूँ, ऊपर से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उनकी जगह भगवान तू मुझे उठा लेता तो कम से कम मुझे ये सब तो नहीं देखना पड़ता। बेचारी राधा अपने कमरे में बुरी तरह से रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ निशा अपनी माँ अमलेश के साथ राधा के हाथों का बना खाना खा रही होती है। तभी वो दोनों अपनी झूठी थाली में थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं, जिसके बाद अमलेश राधा को आवाज लगाती है, अरे बहू कहाँ मर गई, जल्दी से आ जा, ये खाना खा ले, नहीं तो मैं इसे खाने को कुत्ते को दे दूंगी। राधा भूख से तड़प रही होती है, जिसके बाद वो भागती हुई अपनी सास के पास जाती है और उनका झूठा खाना खाने लगती है। लेकिन बेचारी राधा का पेट नहीं भरता। शाम होते होते अमलेश राधा से कहती है, अरे देख शाम हो गई है, जल्दी से बाजार जाकर सब्जी लेकर आ जा, रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी लेने चली जाती हूँ। ऐसा कहकर राधा सब्जी लेने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो सब्जी लेकर घर को लौटती है, उसकी सास रसोई में कुछ बना रही होती है, जिसे देखकर राधा उससे पूछती है, अरे माँ जी आप क्या बना रही हो, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा तेरे लिए नूडल्स बना देती हूँ, जा अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए नूडल्स अभी बना कर लाती हूँ। अपनी सास का यह स्वभाव देखकर राधा बहुत खुश होती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद अमलेश नूडल्स बनाकर राधा के कमरे में लेकर आती है और उससे कहती है, ये लो बहू मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, इन्हें खाकर अपनी दवाई खा लेना, तुमने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया है। ऐसा कहकर वो नूडल्स रख कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद भूख के मारे बेचारी राधा सारी की सारी नूडल्स खा लेती है। कुछ देर बाद वो अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से झाग और खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो वहीं गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है।
वहीं दूसरी तरफ अमलेश अपनी बेटी निशा से कहती है, आज तो मैंने इस राधा का नाम की चिड़िया को जड़ से उखाड़ दिया। बता कैसा रहा मेरा नूडल्स वाला प्लान? बिल्कुल परफेक्ट माँ। अब इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा हक है। आखिर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज राधा के नाम की। अरे हम दोनों क्या मर गए थे? अरे तो चिंता मत कर, अब तो सब कुछ हमारा है, जा मौज ले। राधा के मरने के बाद राधा की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बनकर ये सब सुन रही होती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, कैसी सास और ननद है मेरी। अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? अगर इन्हें मुझसे इतनी ही परेशानी थी तो मुझे घर से निकाल देती या फिर मुझसे साफ कह देती, मैं सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर देती। इन्होंने तो मुझे जान से ही मार दिया, लेकिन अब मैं इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी और जहरीले नूडल्स बनाकर इन्हें खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से चुड़ैल अपनी सास और ननद से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी कि तभी एक दिन अमलेश घर के कामों से परेशान होकर एक नौकरानी को बुला लेती है और उसे घर के सभी काम बता देती है। इसी चीज का फायदा उठाकर चुड़ैल एक दिन नौकरानी का वेश बदलकर उनके लिए रसोई में जहरीले नूडल्स बना रही थी, जिसके बाद वे जहरीले नूडल्स अपनी सास और ननद को देने जाती है। ये लीजिए मैडम साहिबा, आपके लिए मैंने नूडल्स बनाए हैं। अरे लेकिन हमने तो तुम्हें नूडल्स बनाने के लिए कहा ही नहीं था। अरे अब क्या बताएं मैडम साहिबा, मेरे कान थोड़े कम सुनते हैं, मुझे लगा आपने नूडल्स बनाने के लिए कहा है इसीलिए मैंने नूडल्स बना दिए। चलो कोई बात नहीं माँ, वैसे भी कई दिनों से नूडल्स नहीं खाए थे, अब इसने बनाए हैं तो खा ही लेते हैं। जैसे ही वो दोनों नूडल्स खाती हैं, नूडल्स खाने के कुछ ही देर बाद उन दोनों के मुंह से झाग और खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और उन दोनों को मरा हुआ देखकर कहती है, खून का बदला खून से, इन्होंने मेरी जान ली, आज मैंने मौका देखकर इन दोनों को ही टपका दिया। अपनी मौत का बदला लेने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। फलों के शहर में चुड़ैल। रात के अंधेरे में एक दिशा नाम की लड़की अपनी माँ के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए कहती है, माँ चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बेटी दिशा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना और लोगों की हमेशा भलाई करना। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं भी डॉक्टर को लेकर आ रही हूँ। ऐसा कहकर दिशा डॉक्टर को लेने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में वो डॉक्टर को अपने साथ ही लेकर आती है, जिसके बाद डॉक्टर मोहिनी का चेकअप करते हैं। बेटी दिशा, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब इस दुनिया में तुम्हारी माँ नहीं रही। डॉक्टर की बात सुनते ही दिशा बहुत बुरी तरह रोने लगती है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ ये आपने क्या किया, भला मैं इस दुनिया में आपके बिना कैसे रहूंगी, मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं था। अपनी माँ के जाने का दिशा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद दिशा अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। उस दिन के बाद से दिशा अपने गांव में फल बेचने का काम शुरू करती है। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। अरे बेटी फल तो तुम्हारे बहुत ही ताजे ताजे लग रहे हैं, जरा मुझे 1 किलो जामुन तो देना। दिशा तुरंत 1 किलो जामुन तौलती है और बूढ़ी औरत को देते हुए कहती है, ये लीजिए दादी जी आपके रसीले जामुन। बूढ़ी औरत दिशा से जामुन ले लेती है, जिसके बाद वो उसे पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बेचारी दिशा दिन भर फल बेचकर अपना गुजारा किया करती थी और शाम को जैसे ही घर जाने का समय होता था, दिशा बचे हुए फलों को मंदिर में ले जाकर भगवान को चढ़ाने के बाद बाकी के फल गरीब लोगों में बांट दिया करती थी और अगले दिन ताजे फल ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन की बात है, दिशा बाजार में फल बेच रही होती है। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, मीठे मीठे फल। तभी उसके सामने एक बहुत ही गरीब भिखारी आ जाता है। वो बहुत भूखा होता है, उसकी हालत भी बहुत बुरी होती है। वो दिशा से कहता है, अल्लाह के नाम से दे दो बच्ची, 2 दिन से भूखा हूँ बिटिया, कुछ खिला दो।
उस भिखारी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं जिन्हें देखकर दिशा का दिल पिघल जाता है। उस दिन बेचारी दिशा का किसी ने भी फल खरीदा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिना संकोच किए उस भिखारी की मदद करती है और उसे अपने पास से कुछ फल दे देती है, जिसके बाद वो भिखारी उन फलों को खाने लगता है। कुछ देर में दिशा उसके लिए पानी भी लेकर आती है। इतना अच्छा व्यवहार देखकर वो भिखारी तुरंत एक देवता के रूप में बदल जाता है। अरे तुम तो बहुत नेक दिल लड़की हो, मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? दिशा देवता को अपने सामने प्रकट देख बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद दिशा देवता से कहती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपके दर्शन कर लिए, मैं इतने में बहुत खुश हूँ। देवता ये सुनने के बाद दिशा से और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जाते जाते एक वरदान देकर जाते हैं। जाने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। आज के बाद तुम जब भी बाएं हाथ से कोई भी वस्तु स्पर्श करोगी तो वो फल में बदल जाएगी, तथास्तु। इतना कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद दिशा अपने मन ही मन सोचती है, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? अगर मैं किसी भी वस्तु को स्पर्श करती हूँ तो वो फल में बदल जाएगी? मुझे किसी वस्तु को छूना चाहिए। ऐसा सोचकर दिशा अपने पास पड़े पत्थरों को अपने बाएं हाथ से स्पर्श करती है, जिसके बाद वो सभी पत्थर फल के रूप में बदल जाते हैं। अरे वाह, ये तो हकीकत में फल बदल गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं गरीबों की ज्यादा से ज्यादा सहायता करती हूँ। दिशा जितने भी कंकड़ और पत्थरों को देखती वो उन्हें स्पर्श करके फल में बदल देती है, जिसके बाद वो उन फलों को ले जाकर गरीब बेसहारा लोगों को दान कर देती है। ऐसे ही वो धीरे धीरे कई लोगों की मदद करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव का एक किशन नाम का आदमी उसका ये राज अपनी आंखों से देख लेता है। अरे वाह, ये लड़की तो एक चमत्कारी लड़की है, इसके हाथ में तो जादू है, अगर ये हमारे शहर को फलों का शहर बना दे तो दूर दूर से लोग हमारे शहर को देखने आएंगे, इससे हम सभी लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, मुझे किसी तरह इस लड़की को फंसाना होगा। ऐसा सोचकर किशन दिशा के पास जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है। अरे दिशा बिटिया, अरे क्या बताऊं तुम्हें, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कितना भी कमा लूं लेकिन घर के खर्च खत्म नहीं होते, मुझे तो लगता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अरे अंकल जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, भला मरने से क्या ही मिलेगा, आप मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। देखो बेटी, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो गांव की भलाई के बारे में भी सोच रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में जो जादू है उसके बारे में मैं जानता हूँ, तुम एक काम करो, हमारे शहर को फलों का शहर बना दो, ऐसे हमारे शहर के चर्चे चारों तरफ फैल जाएंगे और दूर दराज के लोग हमारे फल के शहर को देखने के लिए आया करेंगे, इससे हम सब अमीर हो जाएंगे और इस शहर में फिर कोई गरीब नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फिर कोई गरीब नहीं होगा। दिशा किशन की बातों में आ जाती है और पूरे शहर को फलों का शहर बना देती है। मेरे जादुई हाथ, मेरी तुमसे ये इच्छा है कि तुम इस शहर को फलों का शहर बना दो। दिशा के इतना कहते ही पूरा शहर फलों का शहर बन जाता है, जिसके बाद चारों तरफ फल ही फल होते हैं, यहाँ तक कि पीने के पानी के नलों से भी पानी की जगह फल निकलने लगते हैं। इस बात से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दिशा को कोसने लगते हैं। अरे भगवान, ये सब क्या हो गया है, न खाने के लिए खाना है न पीने के लिए पानी है, हर तरफ फल ही फल नजर आ रहे हैं। अरे बेड़ा गर्ग हो उसका जिसने हम लोगों को इतना परेशान किया है, मैं अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दूध की जगह फल निकल रहे हैं। गांव वालों की सारी बातें सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी उस पेड़ की चुड़ैल उसे रोते हुए देख अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये बच्ची यहाँ बैठी क्यों रो रही है, जरा इससे पूछ कर देखती हूँ। चुड़ैल दिशा के सामने प्रकट होती है, उसे रोता हुआ देख उससे कहती है, अरे ओ बच्ची, तुम यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर दिशा बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़कर उसे वहीं बिठा लेती है और उसे कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। दिशा रोते हुए उसे अपने साथ हुई सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे तुम तो बहुत भोली हो, चलो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी,
वैसे भी मैं हमेशा लोगों को परेशान करती हूँ, शायद इसी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। क्या पता तुम्हारी मदद करने से ही मुझे मुक्ति मिल जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके साथ उसके गांव जाती है और अपनी सारी शक्तियों से फल के शहर को वापस से नॉर्मल शहर बना देती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग चुड़ैल का ये काम देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे शुक्रिया अदा करने लगते हैं। आपने एक चुड़ैल होकर मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, वैसे ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ से अब मुक्त होना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद की। खैर मेरी बुराइयों का फल तो मुझे मिल ही रहा है, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर देवता प्रकट होते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, अरे रुको, कहाँ जा रही हो? आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्या तुम्हें इसका फल नहीं चाहिए? देवता इतना कहते ही चुड़ैल के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उसे चुड़ैल से मुक्त कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल देवता से कहती है, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुक्त किया, अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, जिसके बाद देवता दिशा से कहते हैं, ये शक्तियाँ मैंने तुम्हें जिंदगी के सबक सिखाने के लिए भी दी थी, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हर किसी की मदद करना भी ठीक नहीं है, इसलिए किसी की मदद करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। ऐसा कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद दिशा अपनी शक्तियों का सही समय पर और सही लोगों के लिए ही इस्तेमाल करती है। भूतिया सौतेली माँ और बच्चे। अंबिका और चीकू मैदान में खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो गांव की सीमा पार कर गए थे। शाम का चकाचौंध अंधेरा पूरे गांव को घेर लेता है, तभी अंबिका कहती है, चीकू हम खेलते कूदते गांव से बाहर आ चुके हैं, ना जाने पिताजी आज हमारा क्या हश्र करेंगे। पिता का खौफ उन बच्चों के जहन में गहरे तौर पर बसा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो तेज कदम बढ़ाते हुए घर लौटते हैं, जहां उनका पिता ब्रिजलाल गुस्से से आंखें चमकाता हुआ उखड़े स्वर में कहता है, क्यों री कामिनी, कहां फरार थी इसे लेकर, और तू कुत्ते के पिल्ले? मेरे कान दुख रहे हैं, छोड़ दीजिए। पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चीकू को छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं। दोष तो तेरा है हरामजादी, आज मैं तुझे मौत के तख्ते पर टांग कर रख दूंगा, पर लग गए हैं ना तेरे। कसाई ब्रिजलाल अंबिका को चमड़े की बेल्ट से मार मार कर उसी बुरी तौर पर जख्मी कर देता है। तभी सांझ की मनोहर बेला घनघोर तूफान का भेष धर लेती है, पूरा गांव बवंडर की चपेट में आ जाता है। तभी ब्रिजलाल के घर के इर्द गिर्द चुड़ैल तहलका मचाती है, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, लौट आई हूँ मैं। चुड़ैल की आंखों में जैसे खून सवार था, वो गुस्से से दांत पीसती हुई अपने खूंखार नाखून से ब्रिजलाल पर धावा बोलकर उसे चित्त कर देती है। ब्रिजलाल हांफते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम लौट नहीं सकती, अरे तुम्हें तो मैंने उस रात, तूने क्या सोचा कि तू उस 2% के घूसखोर तांत्रिक की मदद से छुटकारा पा लेगा? कभी नहीं, याद है वो रात? तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, चीकू और अंबिका भूख से तड़प रहे थे। तभी वो दोनों अपने पिता के पास आकर कहते हैं, पिताजी हम दोनों भाई बहन को बहुत भूख लग रही है, कुछ पैसे दे दो, भूख के मारे जान जा रही है पिताजी। ब्रिजलाल को अपने बच्चों की भूख से कोई वास्ता नहीं था। जान अभी तक गई तो नहीं है? जब चली जाएगी तो तुम दोनों की चिता पर 56 भोग चढ़ाऊंगा। दादी अपनी रसोई में ताला क्यों लगाया है आपने, कुछ खाने को दे दो ना, भूख से हमारे पेट में मरोड़ उठ रहा है। अरे ओ चंगू मंगू, तुम्हारे ये पैतरे मुझ पे नहीं जमने वाले, चलो भागो यहाँ से। दोनों बच्चे भूख से टटोलते हुए आंखों में आंसू लिए छूछे हाथ बाजार की तरफ जाते हैं। बाजार भी उठ चुका है, अब मैं अपने भाई चीकू को क्या खिलाऊंगी। तभी बाजार खत्म होने के अंतिम सड़क पर उन्हें एक औरत खाने से भरे ठेले के साथ खड़ी नजर आती है। खाना बोलो खाना, ताजा ताजा खाना। भूखे बच्चे वहां आकर उसे निहारने लगते हैं। हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बच्चों की ओर देखकर एक मुस्कान देकर उनके आगे खाने से भरी थाली परोसती है। दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं। औरत कहती है, शायद कच्ची उम्र के चलते ये दोनों बच्चों को मेरे चुड़ैल रूप से खौफ नहीं लगा। खैर भला है कि मुझको इनके सामने आने के लिए इंसानी भेष धरने की जरूरत नहीं। आपके हाथों में तो माँ के खाने का जादू भरा है, तुम्हारी माँ कहाँ है?
हमारी माँ भगवान जी के पास है। चुड़ैल और बच्चों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों बच्चे हर रोज चुड़ैल के ठेले पर आकर अपनी भूख को मिटाया करते थे। चुड़ैल उन्हें खूब लाड़ प्यार किया करती थी। आपका प्यार पाकर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती। क्या हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? हाँ चीकू, पर हमको जन्म देने वाली माँ तो इस दुनिया में नहीं, तो क्या आप हमारी सौतेली माँ हैं? ऐसा ही समझ लो, आज से हम आपको सौतेली माँ कहकर पुकारेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात ब्रिजलाल की आंख खुलती है। अरे ये आधी रात को किसके बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं? ब्रिजलाल आंखें मलते हुए उठ खड़ा होता है और बच्चों को न पाकर दांत पीसते हुए कहता है, ये दोनों आधी रात कहां लापता हैं? तभी खिड़की के भीतर से उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल दोनों का सिर गोदी में रखकर उन्हें सहला रही थी। इस जल्लाद को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। उससे पहले कि ये बच्चों के सामने मेरे भूतिया सौतेली माँ का भेद खोले, मैं इसकी सांस रोक दूंगी। चुड़ैल धुंध बनकर खिड़की से अंदर घुसकर ब्रिजलाल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल की भयानक आंखों से खून टपकता देख ब्रिजलाल का दिल दहल उठता है। भूतनी, शोर मत मचा, मेरे बच्चे सो रहे हैं। उनकी नींद खुली तो मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। बड़ा सुना है तेरे जल्लाद करतूतों के बारे में, इसीलिए अब से ये घर मेरा डेरा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं चुड़ैल जी, आपका ही घर है। भूतनी अब उनके संग उसी घर में रहने लगी थी। अगली रात ब्रिजलाल की माँ कुंती किचन में खाना पका रही थी, तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर कहती है, खाना बन गया क्या? अरे यूं बेताल की तरह मेरे ऊपर क्यों सवार हो रही है चुड़ैल? भूतनी जी, जरा तो भूतानियत रखो। मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगी, मेरे पेट को बोटी की भूख है। ये ले, इसे पका। राम 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 राम, अरे ये मुझ पंडित से क्या पाप करा रही हो? अगर तूने अभी ये बोटी नहीं पकाई तो मैं तेरी चमड़ी से कर खा जाऊंगी, फिर ऊपर जाकर करती रही हो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को खून के आंसू रुलाने लगती है, जिसे परेशान होकर एक रात दोनों छिपते छिपते एक बाबा के पास आकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। बाबा, मेरे दोनों बच्चे उसे सौतेली माँ समझते हैं, कैसे भी करके उस चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा दिलाओ बाबा। घबराओ नहीं बच्चा, चलो। जब बच्चों के बीच सो रही चुड़ैल को अपनी शक्ति से कमजोर करके मैदान में ले आता है। छोड़ मुंगे, छोड़, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुड़ैल की चीख से प्रकृति बेडौल हो उठती है। बाबा उसे शीशे में भरकर कहता है, इस शीशी को ऐसे स्थान पर फेंकाओ जहाँ परिंदा भी पर न मारे। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे पलट कर मत देखना। ब्रिजलाल बोतल में कैद चुड़ैल को लेकर एक सुनसान खंडहर के पास आकर रुकता है और बोतल को वहां फेंक कर बढ़ने लगता है। तभी चुड़ैल छलावा करती है, बाबूजी इधर देखिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ब्रिजलाल झट से पीछे देखता है मगर उसे कोई नजर नहीं आता। उसके जाते जो शीशी चकनाचूर हो जाती है और चुड़ैल एक बार फिर आजाद हो जाती है। आज तेरे खून का एक एक कतरा बहाकर मैं अपना सारा हिसाब चुकता करूंगी। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को मैदान में लाकर पटक देती है। दोनों के मुंह से खून के फुहारे बरस पड़ते हैं और चुड़ैल अपने नाखूनों से उन्हें घायल कर देती है। ये इन मासूमों के साथ ज्यादती करने की सजा। अरे हाँ, मरने से पहले तुम्हें अपना असली चेहरा तो दिखा दो। जैसे ही चुड़ैल अपनी इंसानी भेष में आती है, दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रश्मि, रश्मि तू? रश्मि, जिसकी बहन को तुम दोनों कसाईयों ने जान से मारकर इन बच्चों को अनाथ कर दिया, और आवाज उठाने पर तुमने मुझे भी मारकर उस पहाड़ी की चोटी से फेंक कर सुराख कर दिया। मगर मरते वक्त मेरी जीजी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, वचनबद्ध होने के चलते मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। साली साहिबा, अपने जीजा को एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जा बुढ़िया, अब ऊपर जाकर अपने बेटे के लिए नई दुल्हनिया भी तो तलाशना है तुझे। तुम्हारे हलक से जान निकाल कर ही मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। चुड़ैल उन्हें मार कर अपना बदला पूरा करती है। किसी भी हाल में बच्चों को ये भनक नहीं लगनी चाहिए,
कि जिन्हें वो अब तक सौतेली माँ समझते रहे हैं, वो उनकी मौसी है। अंत में चुड़ैल दोनों बच्चों के सयाने होने तक भूतिया सौतेली माँ बनकर ही उनके बीच रहकर उनका लालन पालन करने लगती है। कुछ साल बाद, बच्चों अब तुम्हारे भूतिया सौतेली माँ के जाने की घड़ी आ चुकी है, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना मौसी माँ। भानगढ़ गाँव में मोहन अपनी पत्नी श्वेता के साथ रहता था। उसकी पत्नी श्वेता प्रेग्नेंट थी। मोहन अपनी पत्नी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था कि तभी अचानक श्वेता के पेट में डिलीवरी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख मोहन उसको अपनी कार में बैठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर श्वेता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आता है और मोहन से बोलता है, अरे मिस्टर मोहन, बधाई हो, तुम्हें जुड़वा बेटी हुई है। तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि दो दो लक्ष्मी आई है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर मोहन मुंह बनाते हुए बोलता है, हे भगवान, ये तो लक्ष्मी नहीं बल्कि मनहूस आई है मेरे घर में। मैं तो सोच रहा था कि मेरे लड़के होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि लड़के होने की जगह ये तो मनहूस हो जाएंगी। मैं इन दोनों को अपने पास नहीं रखना चाहता। आखिर मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया, मैं इन लोगों को कूड़ेदान में फेंक देता हूँ और मैं इसके बाद श्वेता को बोल दूंगा कि हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया। डॉक्टर का मुंह बंद रखने के लिए उसको कुछ घूस पकड़ा दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर मोहन डॉक्टर को थोड़े पैसे दे देता है और उन पैसों की लालच में आकर डॉक्टर अपना मुंह बंद कर लेता है। उसके बाद मोहन अपनी दोनों बेटियों को अपनी गोद में उठाकर भानगढ़ स्टेशन के कूड़ेदान में फेंक देता है और अपनी बीवी के पास जाकर उससे रोता हुआ कहता है, अरे डार्लिंग, मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं मोहन, नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे श्वेता, मैं सच बोल रहा हूँ। हमारी दो जुड़वा लड़की हुई थी और तुम्हें तो पता ही है, जुड़वा बच्चे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। श्वेता को बहुत दुख होता है कि अब उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन के बाद श्वेता अपने घर आ जाती है और मोहन से बोलती है, मोहन जी, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपने शहर वाले घर में जाते हैं, चलिए ना। मोहन उसकी बात से सहमत हो जाता है और मोहन श्वेता को लेकर शहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को सुरेश अपनी गोद में उठाकर खुद से बोलता है, अरे ये दो बच्चे किसके हैं और इतनी तेज धूप में ये कितना रो रहे हैं। हे भगवान, आपने तो मेरी झोली भर दी। वो उदास होकर बोलती है, पर सुरेश जी, हम तो खुद भीख मांग कर खाते हैं, हम इन दोनों बच्चियों का पालन पोषण कैसे करेंगे? अरे मेघना, तुम चिंता मत करो, भगवान अगर सारे रास्ते बंद करता है तो कोई ना कोई रास्ता हमें आगे बढ़ने के लिए जरूर दिखाता है। इतना कहकर वो दोनों उन दोनों लड़कियों को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और वो एक लड़की का नाम तन्वी तो दूसरी लड़की का नाम तान्या रखते हैं। सुरेश और मेघना स्टेशन पर जाकर भीख मांगते हैं और अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों का पेट भी भर लेते हैं और इस तरह अब 5 साल बीत चुके थे। वो दोनों अपने माँ बाबा के साथ रोज स्टेशन पर जाया करते और वहां लोगों से भीख मांगा करते। दूसरी तरफ मोहन और श्वेता एक बार फिर भानगढ़ गांव में आते हैं और जब श्वेता भानगढ़ स्टेशन पर जैसे ही उतरती है कि तभी उसके सामने वो दोनों बच्चियां श्वेता के सामने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर बोलती हैं, आंटी जी, आंटी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, हम गरीबों पर थोड़ा सा रहम दिखा दीजिए, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, हमें कुछ पैसे दे दीजिए या हमें कुछ खिला दीजिए आंटी जी। इन दोनों लड़कियों को देख श्वेता को अजीब सा महसूस होता है और वो अचानक उन दोनों को गले लगा लेती है। ये देख मोहन बोलता है, अरे श्वेता, तुम ये क्या कर रही हो,
इन गंदे गंदे बच्चों को गले लगाकर खुद को भी गंदा कर रही हो, दूर हटो इनसे। इतना कहकर मोहन श्वेता को उन दोनों से अलग करवा देता है और उन दोनों के हाथ में 500 का नोट पकड़ाकर उन्हें वहां से भगा देता है। एक तरफ तो वो दोनों बच्चियां 500 का नोट लेकर खुश हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने पति मोहन से बोलती है, मोहन जी पता नहीं क्यों उन बच्चों में अपना पन सा लगा, इसीलिए उन्हें गले लगाने का मन भी किया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब घर चलो। इतना कहकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। श्वेता मोहन के साथ घर तो चली जाती है, लेकिन मानो उसका दिल और दिमाग उन दोनों बच्चों के पास ही रह गया। और अगले दिन वो एक बार फिर उन दोनों बच्चों से मिलने के लिए आई और उन्हें इस बार 500 का नोट पकड़ा कर अपने घर चली गई। वो इस तरह रोज उन बच्चों से मिलने आती और उन्हें थोड़े पैसे देकर चली जाती। और एक दिन तान्या और तन्वी के माता पिता की मौत हो गई। वो लोग भारी बारिश में स्टेशन पर बैठकर रो रहे थे कि तभी श्वेता छाता लेकर उन दोनों बच्चों के पास आती है और उनसे पूछती है, अरे बच्चों तुम इतनी बारिश में क्यों रो रहे हो? आंटी जी, आंटी जी, अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तेज बारिश के चलते हमारा घर गिर गया, जिसमें मेरे मम्मी पापा दबकर मर गए। इतना कहकर वो दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। उन दोनों को रोता हुआ देख श्वेता तान्या और तन्वी को अपने घर ले जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जब मोहन आता है, ये देखकर कि उसके घर में वो दोनों भिखारी बच्चे हैं, वो थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन श्वेता उसको समझा देती है और वो चुपचाप बैठ जाता है। अगली सुबह श्वेता अपनी बहन के घर चली जाती है और उसके जाने के तुरंत बाद ही मोहन का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है। ये देख तान्या और तन्वी भागी भागी उसके पास आती हैं और तन्वी तान्या से बोलती है, तान्या जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर और श्वेता आंटी को बुलाओ। जैसा जैसा तन्वी बोलती है वैसा वैसा तान्या करती है और कुछ समय बाद एम्बुलेंस आकर मोहन को हॉस्पिटल ले जाती है। मोहन के मन में ये डर बैठ चुका था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ श्वेता भी दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद जब मोहन नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तब वो श्वेता को सारा सच बता देता है कि तान्या और तन्वी ही उसकी अपनी बेटी है। ये सुनकर श्वेता बहुत ही खुश हो जाती है और उससे बोलती है, मोहन तुमने मुझे मेरे बच्चों से दूर करने के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते अपनाए, लेकिन भगवान ये सब देख रहा था। वो कहते हैं ना, माँ का दिल अपने बच्चों को पहचान ही लेता है, क्योंकि माँ का दिल माँ का ही होता है। और आज देखो, भगवान ने एक माँ से उसकी दोनों बच्चियों को मिलवा दिया। ये सुनकर मोहन को थोड़ा दुख होता है और वो उससे माफी मांगने लगता है। श्वेता मोहन को माफ कर देती है और अब मोहन और श्वेता अपने दोनों बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। जादुई सोने की गणेश मूर्ति। कूड़ाघर से कुछ कोस दूर रमिया और विनय की टूटी फूटी झोपड़ी थी। दोनों बेहद छोटे थे जब उनके पिता की एक सड़क हादसे में सांसें चली गईं। फिर 5 बरस पहले उनकी माँ लता भी गंभीर बीमारी से जूझकर जान गंवा बैठी, जिसके बाद दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। सूरज की लाली के साथ सुबह सवेरे उठकर दोनों हाथ जोड़कर घर के भीतर तख्त पर रखे गणेश जी की मूर्ति के आगे माथा झुकाई कहते हैं, गणेश जी आपके पिता तो स्वयं शिव शंभू हैं, साथ में गौरी मैया भी है, मगर हम भाई बहन एकदम अनाथ हो चुके हैं। प्रभु आज उस कूड़े के ढेर में हमको खूब सारा भंगार का सामान मिले, ताकि उन्हें बेचकर हम पैसे बटोर सकें और अपना पेट भर सकें। ये कहकर दोनों भाई बहन भूख मिटाने के लिए कूड़ेदान में आकर भंगार चुनने के लिए कूड़े करकट के ढेर में कूद पड़ते हैं। 2 घंटे बाद, रमिया दीदी आज तो एक भी लोहा प्लास्टिक नहीं मिला, अगर आज हमको भंगार में बेचने का सामान नहीं मिलेगा तो हम अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? मेरे भाई अभी तो सारा दिन पड़ा है, हमको और खोजबीन करनी चाहिए, कुछ न कुछ जरूर हाथ आएगा। दोनों भाई बहन भूखे प्यासे सड़े गले कूड़े खते के बीच खोजबीन करते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। रमिया मुरझाई स्वर में कहती है, लगता है आज हम भाई बहन को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मतलब
आज रात फिर हम भाई बहन को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। हाँ विनय। एकाएक विनय की तेज निगाह कूड़े के ढेर में सने गणेश भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है। वो झट से उसे उठाकर कहता है, अरे ये तो पप्पा की मूर्ति है, जाने किस मूर्ख इंसान ने इन्हें अपने घर से उठाकर इस कूड़ेदान के हवाले कर दिया है। दोनों उस मूर्ति को लेकर घर चले आते हैं। रमिया उसे साफ सुथरा करती है। मूर्ति की चमक पूरे घर में चमचमाता देख रमिया का छोटा भाई विनय कहता है, रमिया दीदी देखो गणेश भगवान की इस मूर्ति का सुनहरा रंग कैसे एकदम खरे सोने के जैसे प्रकाशित हो रहा है। चलो इस मूर्ति को भी गणेश भगवान की इस मूर्ति के साथ स्थापित कर देते हैं। अनाथ भाई बहन सच्ची श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके पानी पीकर सो जाते हैं। तभी रात के तकरीबन 4 बजे भूख से बिलबिला रहे विनय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गणेश भगवान की उसी मूर्ति के पास भांति भांति के व्यंजन रखे हुए हैं। हमारे पास तो गणेश जी को भोग लगाने के लिए एक भी दाना नहीं था, फिर ये 56 भोग कहाँ से आया? मुझको तो ये सब गणेश जी की मूर्ति की माया लगती है। ये सोचकर विनय असमंजस में पड़ जाता है और अपनी बहन रमिया को जगाता है। विनय 4 बज चुके हैं, माँ कहा करती थी कि इस पहर भगवान भ्रमण करते हैं, ये भोजन गणेश भगवान ने ही हमारी खातिर भेजा है। दोनों सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को भोग लगाकर अपना भक्ति भाव जाहिर करते हुए भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। सवेरे दोनों नहा धोकर भगवान की आरती अर्चना करते हुए भक्ति भाव जाहिर करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा, हे गणेश जी हमारे घर में पधारो प्रभु। रमिया के दिल की गुहार जैसे गणेश जी तक पहुंच जाती है। एकाएक गणेश जी की सुनहरी प्रतिमा से तेज चमक घर को घेर लेती है। तभी एक आवाज घर में गूंज उठती है, भयभीत ना हो बालक, ये गूंज मुझ गजानन की है। मेरी मूरत को मानव ने कचरे के ढेर में फेंक दिया, तुमने मुझे उस कचरे से निकाल कर अपने घर में स्थान दिया। मैं तुम्हें अखंड वरदान देता हूं कि जब कभी जब तुम मेरी इस एक दंत मूर्ति से जो कुछ मांगोगे ये तुम्हारे स्वर सुनकर उसे पूर्ण करेगा। गणेश भगवान की गूंज स्थिर होते ही विनय कहता है, अरे ये सचमुच की जादुई गणेश जी की मूर्ति है या नहीं, हमें इसका पता कैसे चलेगा? विनय जादुई गणेश जी की मूर्ति का पुख्ता प्रमाण पता करने की खातिर हम इसे कुछ मांग कर देखते हैं। जादुई गणेश जी की मूर्ति हमारी झोपड़ी को एक घर में बदल कर दिखाओ। इतना कहते ही जादुई गणेश जी की मूर्ति प्रकाशमान होकर झोपड़ी को एक सुंदर से घर में बदल देती है, जिसे देख वो भाई बहन भौचक्के रह जाते हैं। विनय जादुई गणेश जी की मूर्ति ने तो हमारी झोपड़ी की काया पलट ही कर दी। हाँ दीदी ये गणेश जी की जादुई मूर्ति की ही माया है। जय हो गजानन। जादुई गणेश जी की मूर्ति की मायावी शक्ति से दोनों अनाथ भाई बहनों के जीवनी आसान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रमिया के मन में एक ख्याल उठता है, विनय हम दोनों भाई बहन तो इस जादुई गणेश जी की मूर्ति की महात्म्य माया से उस कूड़ेदान की कैद के दलदल से निकल गए, मगर हमारे ही जैसे कितने ही यतीम बच्चे अभी भी वही बदहाल बेकार जीवन जी रहे हैं। हाँ दीदी हम तो अपने बड़े से घर में सुकून से रह रहे हैं, हम अपने जादुई गणेश जी की मूर्ति से उनकी मदद करें। रमिया उस जादुई गणेश जी की मूर्ति को लेकर विनय के साथ चल पड़ती है। चलते चलते उनके पांव एक फुटपाथ पर आकर रुक पड़ते हैं, जहां भूख से कुम्हलाया मन को आते जाते राहगीर से कहता, अरे अरे कुछ खाने को दे दो, अरे भूख के मारे मेरी अंतड़ियां सूखने को हो रही है। ये बेचारा तो भूख से बेहाल है, हमें एकांत देखकर गणेश जी की जादुई मूर्ति से मदद मांगनी होगी। हमारी जादुई गणेश जी की मूर्ति हमें भोजन दो ताकि प्रभु हम इस भूखे का पेट भर सके। जादुई गणेश जी की मूर्ति में से खाने की भरी पूरी थाली मनकू के सामने हाजिर हो जाती है, जिसे देख मनकू दंग रह जाता है। अरे ये कैसे किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गणेश जी की माया है। दरअसल
ये एक जादुई गणेश जी की मूर्ति है। मेरे और भी साथी हैं जो भूखे हैं। हम पीछे एक पटरी के किनारे सोते हैं। न रहने को घर है, न खाने को खाना, न सिर पर माँ बाबा का साया। चिंता मत करो विघ्नहर्ता की जादुई मूर्ति तुम्हारे सारे दुख हरने आई है। ए हमारे जादुई गणेश जी की मूर्ति, हमको सोने के सिक्के दो। एकाएक जादुई गणेश जी की मूर्ति का मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से सैकड़ों सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। तुमको जितने की जरूरत हो बेझिझक उठा लो। शुक्रिया दोस्तों, आज बप्पा की मदद से मैं और मेरे दोस्त इस फुटपाथ से आजाद हो गए। दोनों भाई बहन सारा दिन घुमक्कड़ों की तरह घूम घूम कर जादुई गणेश जी की मूर्ति से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करके देर रात थके मांदे घर लौट आते हैं। अरे विनय, तुम्हारे पाँव में तो छाले पड़ चुके हैं। दीदी, तुम्हारे पाँव में भी कई बार पत्थर से ठेस लगा था। जिस गणेश जी में कौड़ी को चंगा और अंधे को आंख देने का सामर्थ है, वो हमारे छाले को चंद लम्हों में भर देगा। दोनों अपने जख्मी पांव पर खड़े होकर बप्पा की प्रतिमा की आरती अर्चना करते हैं। तभी गणेश जी की जादुई मूर्ति की हथेली से निकल रही तेज रोशनी उनके तलवे में जैसे ही समाती है, उनका पांव पर पड़े छाले गायब हो जाते हैं। अगली सुबह चारों ओर गणेश चतुर्थी की बड़ी होड़ थी। दोनों भाई बहन निर्जला उपवास रखे गणेश जी की जादुई प्रतिमा का दुग्धाभिषेक करते हैं। अरे देखो रमिया दीदी, मैं बप्पा के लिए ये नारंगी रंग का अंग रखा और चंदन रंग की धोती लाया हूँ। अरे वाह, ये नन्हे कपड़े कितने जचेंगे प्रभु पर। इसके बाद वो गणेश जी को मोदक का भोग अर्पित करके कहते हैं, आज गणेश चतुर्थी है, बप्पा एक बार अपना दर्श दे दो। रमिया के आंसू बहकर गणेश जी की जादुई मूर्ति पर पड़ते हैं। गणेश भगवान की विशाल छवि उनके सामने आती है। नेत्र खोलो रमिया। अरे ये तो सचमुच में गणेश जी है। तुम दोनों मेरे सच्चे आराधक हो और भक्त के पुकारने पर भगवान को आना ही पड़ता है। दोनों आगे बढ़कर जैसे उनके चरण स्पर्श करते हैं, गणपति बप्पा आशीष के शब्द बोलकर जादुई मूर्ति में समा जाते हैं।